चैप्टर नंबर 12, वाटर इज अ लवली थिंग। पानी एक खूबसूरत तरीन चीज है। वाटर इज अ लवली थिंग। पानी एक खूबसूरत चीज है। डार्क एंड रिपल इन अ स्प्रिंग। बाहर के मौसम में ये गहरा हो जाता है। ब्लैक एंड क्वाइट इन अ पूल। एक तालाब में ये स्याह रंग का और खामोश होता है। इन अ पडल ब्राउन एंड कूल। एक झील में ये भूरे रंग का और ठंडा होता है। इन अ रिवर ब्लू एंड गे। एक दरिया में नीले रंग का चमकता है, चमकता हुआ होता है। इन अ रेन ड्रॉप सिल्वर ग्रे। एक बारिश के कतरे में ये ग्रे रंग का होता है या सिल्वर रंग का होता है। इन अ फाउंटेन फ्लैशिंग वाइट। और एक फवारे में ये चमकता हुआ सफेद लगता है। इन अ ड्यू ड्रॉप क्रिस्टल ब्राइट। शबनम के कतरे में शीशे की तरह चमकता हुआ। इन अ पिचर फ्रॉस्टी कोल्ड। एक घड़े में इंतहाई ठंडा। इन अ बबल पिंक एंड गोल्ड। एक बुलबुले में पिंक और सुनहरी रंग का। इन अ हैप्पी समर सी। और गर्मियों में जब समुंदर खुश होता है। जस्ट एज ग्रीन कैन बी। इतना सब नजर आता है जितना वो नजर आ सकता है। इन अ रेनबो फॉर अनफर्ल्ड। और एक मुड़ी हुई कोसे कजा में एवरी कलर इन द वर्ल्ड। दुनिया का हर रंग समा जाता है। ऑल द ईयर तमाम साल फ्रॉम स्प्रिंग टू स्प्रिंग। बहार से बहार तक वाटर इज द लवलीस्ट थिंग। पानी सबसे खूबसूरत चीज है। क्वेश्चन आंसर वेयर इज द वाटर ब्राउन एंड कूल। द वाटर इज ब्राउन एंड कूल इन वेयर इज द वाटर ब्राउन एंड कूल। द वाटर इज ब्राउन एंड कूल इन अ पडल। व्हाट इज अ ड्यू ड्रॉप। ड्यू ड्रॉप किसे कहते हैं। ड्यू ड्रॉप इज द ड्रॉप ऑफ वाटर विच कम्स ऑन द लीव सरफेस ड्यूरिंग नाइट टाइम। व्हाट आर द कलर्स ऑफ रेनबो। द रेनबो हैज 7 कलर्स एंड नेम दोस कलर्स। व्हाट आर द कलर्स। ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, इंडिगो एंड वायलेट। Let's start with the transition of chapter number 13, that is the telephone. Hello, hello, this is Alexander Graham Bell. Do you hear me? Hello, hello, मैं Alexander Graham Bell बात कर रहा हूँ। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Yes, I do. How are you, Alex? हाँ, बिल्कुल मैं सुन सकता हूँ। कैसे हैं आप, Alex? This was probably the very first telephonic conversation that might have take place between Alexander Graham Bell and his friend. शायद ये वो सबसे पहली टेलीफोनिक गुफ्तगु थी जो ग्राहम बेल और उसके दोस्त के दरमियान में हुई, माइल्स अवे, मीलों के फासले पर, इन द ईयर 1876, 1876 में। बेल मस्ट हैव अटर्ड दीज वर्ड्स इनटू अ स्मॉल ट्रांसमीटर। बेल ने यकीनन ये अल्फाज एक छोटे से ट्रांसमीटर में बोले होंगे। ही मस्ट हैव बीन हर्ड बाय हिज फ्रेंड थ्रू द रिसीवर। और वही अल्फाज उसके दोस्त ने एक रिसीवर पर सुने होंगे। बिसाइड अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर द टेलीफोन हैड अ डायल। ट्रांसमीटर और रिसीवर के साथ साथ टेलीफोन में एक डायल भी होता है विद नंबर्स, जिस पर नंबर लिखे होंगे, टू हेल्प यू डायल एनी नंबर दैट यू वांट, ताकि आप हर वो नंबर डायल कर सकें जो आप डायल करना चाहते हैं। द टेलीफोन वॉज अ ग्रेट इन्वेंशन। टेलीफोन एक बहुत ही अजीम इजाद थी। द होल वर्ल्ड रिसीव इट। पूरी दुनिया ने इसे तस्लीम किया। बट इट वॉज इन्वेंटेड विद अ सेंस ऑफ सरप्राइज। लेकिन इसकी इजाद एक हैरान कर देने वाली चीज थी। ओ एन एडमायरेशन, जिसे अपनाया गया और जिसकी तारीफ की गई। द इन्वेंशन हैज मेड हिस्ट्री। इस इजाद ने तारीख रकम की। एंड हैज ब्रॉट पीपल एंड प्लेसेस सो नियर टू ईच अदर। और इसने लोगों और जगहों को एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वॉज ओरिजिनली अ स्कॉट। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बुनियादी तौर पर एक स्कॉट था। ही वॉज बॉर्न इन 1847।
की पैदाइश 1847 में हुई इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में, लेटर वेंट टू अमेरिका व्हेन ही इन्वेंटेड द टेलीफोन। और फिर जब उसने टेलीफोन इजाद किया उस वक्त वो अमेरिका में रिहाइश पजीर था। ही डाइड इन 1922, उसकी वफात 1922 में हुई। द टेलीफोन देन बिकम वेरी कॉमन, उस वक्त टेलीफोन बहुत आम हो चुका था। पीपल जस्ट हैड टू लिफ्ट द रिसीवर, लोगों को सिर्फ रिसीवर उठाना है, स्टार्ट टॉकिंग टू एनीवन एनीवेयर एनी टाइम, कभी भी किसी भी वक्त किसी से भी बात कर सकते हैं। अ टेलीफोन इज अ ग्रेट फैसिलिटी इन डीड। दरअसल टेलीफोन एक बहुत ही अच्छी सहूलत है। इट रिड्यूसेस डिस्टेंस, इसने फासलों को कम कर दिया है। एंड गेव अ ग्रेट इम्पेटस टू बिजनेस एज वेल, और उसने कारोबार में भी बहुत फ्रोक दिया है, कारोबार को भी बहुत बढ़ाया है। द प्रिंसिपल्स ऑन विच द टेलीफोन इज बेस्ड इज बाई नो मीन एंड फेमिलियर टू यू। वो कवानीन या वो उसूल जिन पर टेलीफोन काम करता है वो किसी भी तरह आप उससे नावाकिफ नहीं हैं। यू मस्ट हैव प्लेड द गेम योरसेल्फ, आप ये खेल खुद भी खेल सकते हैं। लेट्स ट्राई इट अगेन, चले खेलते हैं। टेक टू स्मॉल टिन कैंस विद देयर टॉप्स ऑफ, दो छोटे टिन के डिब्बे लीजिए और उनके ढक्कन उतार दीजिए। One for you and one for your partner, एक आपके लिए और एक आपके साथी के लिए। Make a little hole in the bottom of your can, अपने can के निचली सतह पर एक छोटा सा सुराख कीजिए। Put a string through this hole, उस सुराख में से एक रस्सी गुजारिए and tie a knot inside, और उसमें एक घेरा लगा दीजिए। Do the same thing with the other end of the string, और वही काम दूसरी रस्सी और डिब्बे के साथ कीजिए। Now you have a simple telephone set of your own, अब आपके पास आपका अपना एक टेलीफोन सेट है। आप प्लेट थिंग तो ऐसे चीज से आप खेल सकते हैं। स्पीक इन टू द कैन, कैन में बोलिए। योर वॉइस विल मेक द बॉटम ऑफ द कैन वाइब्रेट, आपकी आवाज से कैन का निचली सतह थरथराहट महसूस करेगी। इफ यू होल्ड द स्ट्रिंग फर्मली, अगर आपने रस्सी को मजबूती से पकड़ा हुआ है, यू विल फील द वाइब्रेशन ट्रैवलिंग अलोंग इट, आप महसूस करेंगे कि थरथराहट उसमें सफर कर रही है। दीज वाइब्रेशंस मेक द बॉटम ऑफ द अदर कैन वाइब्रेट, और इससे दूसरे डिब्बे की कैन की निचली सतह भी हिलने लगेगी। And it makes sound similar to your voice, और बिल्कुल वैसी ही आवाज़ पैदा करेगी जैसे कि आपकी आवाज़ है। You can just hear each other through the string, फिर रस्सी की मदद से आप एक दूसरे की आवाज़ को सुन सकते हैं। The real telephone works very much like this tin can and string phone, असल टेलीफोन भी बिल्कुल इसी तरह से टिन कैन और रस्सी के टेलीफोन की तरह काम करता है। But of course it does a little better, lot better, लेकिन यकीनन ये तो बहुत अच्छा काम करता है। द टिन कैन एंड स्ट्रिंग फोन सेंड साउंड्स एज वाइब्रेशन, टिन कैन और रस्सी का फोन में आवाज थरथराहट के जरिए जाती है। व्हाइल द रियल टेलीफोन सेंड्स साउंड्स एज इलेक्ट्रिक सिग्नल, जबकि असल टेलीफोन में आवाज पर की सिग्नल्स के थ्रू जाती है। दिस सिग्नल्स कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ वायर्स, और ये सिग्नल्स वायर या तारों की मदद से एक लंबा फासला तय कर सकती हैं। दिस डिस्टेंसेस आर मच लार्जर देन दोज विद विच द वाइब्रेशन ऑफ द टिन कैन एंड स्ट्रिंग टेलीफोन कैन कवर, और ये फासला उस फासले से बहुत ज़्यादा होता है जो कि एक आम स्ट्रिंग रस्सी और डिब्बे के टेलीफोन कवर करता है। When you speak, जब आप बोलते हैं, you make sound waves, आप आवाज की लहरें पैदा करते हैं। And these sound waves go into the transmitter of your telephone, और ये आवाज की लहरें आपके फोन के ट्रांसमीटर में जाती हैं। These sound waves change into electric signals, और ये आवाज की लहरें बरकी सिग्नल्स में या बरकी लहरों में बदल जाती हैं। And go to the other receiver, दूसरे रिसीवर तक पहुंच जाती हैं। And are there changed again into sound, और वहां पहुंचकर दोबारा से आवाज में बदल जाती हैं। That's how we can talk to each other on the telephone, यही वो तरीका है जिससे हम एक दूसरे से टेलीफोन पर बात करते हैं। A lot of work has continued to be done on the telephone since Bell days, Bell के दिनों से अब तक टेलीफोन पर बहुत सा काम हो चुका है। The inventions of mobile have revolutionized the history of telephone, मोबाइल फोन की इजाद ने टेलीफोन की तारीख को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। Now the era of string and old receiver dials and the things of past, अब वो तार, रस्सी और रिसीवर वाला दौर पुराना हो चुका। These have been replaced by small and handy mobiles, और उनकी जगह छोटे हाथ में आ जाने वाले मोबाइलों ने ले ली है। These mobiles have internet, इन मोबाइलों में इंटरनेट होता है, video camera होता है, voice recorder, आवाज़ को रिकॉर्ड करने की ऑप्शन होती है, and games etc. और games वगैरह भी होती हैं। The mobile have revolutionized the world we are living in, मोबाइल ने उस दुनिया को बदल कर रख दिया उस जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। Now let's move towards the chapter questions. What do you mean by the word vibration? Vibration means, the answer in the glossary that you can write that the vibration means move continuously and rapidly.
When was Bell born? Bell was born in 1847 in Scotland. That's all the translation of the chapter and question answers of the chapter. In the next video, I will teach you the exercise of this chapter. So please subscribe to my channel so that you get the latest updates and you get your lesson quickly. Thanks for watching. Now we will start the chapter number 14, that is let's make our road safer. आइए अपनी सड़कों को महफूज बनाएं. Paragraph number 1. Every day when we go to schools, हर रोज जब हम स्कूल जाते हैं, offices office जाते हैं और markets या बाजार जाते हैं, we have to use roads. हमें सड़कों को इस्तेमाल करना होता है एंड पास थ्रू ट्रैफिक और हम ट्रैफिक के में से गुजर कर जाते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने ये महसूस किया होगा डेट समटाइम पीपल वायलेट ट्रैफिक लॉज. बाज़ूकात लोग ट्रैफिक के कानून की पासदारी नहीं करते, सच एज ओवर स्पीडिंग, जैसा कि तेज रफ्तारी, नॉन वेयरिंग ऑफ हेलमेट, हेलमेट का ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना एंड पासिंग थ्रू रेड सिग्नल, और सुर्ख पतली को या रेड सिग्नल को तोड़कर निकल जाना. दिस मेक्स आवर रोड्स इनसिक्योर, इसी वजह से हमारी सड़कें गैर महफूज हो जाती हैं एंड अनसेफ हो जाती हैं. मेजोरिटी ऑफ विक्टम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट, ज़्यादातर ट्रैफिक हादसा का शिकार लोग अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आर यंग पीपल, नौजवान लोग होते हैं बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी उम्र 30 साल से कम होती है. मोर ओवर, इसके साथ साथ इनडिसिप्लिन ऑन रोड लीड्स टू ट्रैफिक जैम्स, ट्रैफिक सड़कों पर बदनस्मी का मुजाहरा करने से ट्रैफिक रुक जाती है एंड कंजेशन, और आपको इंतजार करना पड़ता है, विच रिफ्लेक्ट नेगेटिवली ऑन यूज और अस एज अ नेशन, जो बतौर कौम हमारा रिफ्लेक्शन या हमारा इमेज मनफी रवैया दिखाती है लोगों को. क्वेश्चन, व्हाट मेक्स आवर रोड इनसिक्योर एंड अनसेफ? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स या ट्रैफिक लॉज, या वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज मेक्स आवर रोड इनसिक्योर एंड सेफ. द क्वेश्चन इज whether the number of accidents and casualties can be reduced. सवाल ये है कि क्या हम इन हादसों को कम कर सकते हैं. द आंसर इज यस, जवाब है हाँ. इफ वी रिकग्नाइज रोड सेफ्टी एज अ सोशल इशू, अगर हम सड़कों पर महफूज रहने को एक मुआशरती मसला समझें एंड प्ले आर रोल, और अपना किरदार अदा करें एंड डिस्चार्ज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी जिम्मेदारी निभाएं, we can overcome this problem. हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं. The foremost responsibility of every citizen is to observe law. सबसे पहली जिम्मेदारी हर शहरी की ये है कि वो कानून की पासदारी करे. Violation of a traffic law is an offense. ट्रैफिक के कानून को तोड़ना एक जुर्म है. None of us would ever like to call as offender. और हम में से कोई भी मुजरिम कहलाना नहीं चाहेगा. And get penalized या परेशानी लेना नहीं चाहेगा. By observing traffic laws, ट्रैफिक कानून पर अमल करके वी कैन अवॉइड रोड एक्सीडेंट, हम ट्रैफिक के हादसा से बच सकते हैं. सेफ प्रेशियस लाइफ, कीमती जानों को बचा सकते हैं एंड इम्प्रूव आवर कंट्रीज इमेज, और अपने मुल्क की तस्वीर को बेहतर बना सकते हैं लोगों के सामने. क्वेश्चन, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर कंट्री इमेज? वी कैन इम्प्रूव आवर कंट्री इमेज बाय ऑब्जर्विंग ट्रैफिक लॉस. पैराग्राफ नंबर 3, द रिसर्च शोज, तहकीकात से इस चीज सामने आई है डेट ऑलमोस्ट 80% ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट टेक प्लेस ड्यू टू मिस्टेक्स और नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर, कि 80% ट्रैफिक के हादसा ड्राइवर की लापरवाही या गलती से होते हैं. मेन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स आर, इन हादसा की असल वजह है ओवर स्पीडिंग एंड रैश ड्राइविंग, तेज रफ्तारी और गलत तरीके से गाड़ी चलाना. ओवर स्पीडिंग इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर कॉजिंग फैटलिटीज और इंजरीज इन रोड एक्सीडेंट. तेज रफ्तारी वो सबसे बड़ी वजह है जिससे ट्रैफिक के हादसा सामने आते हैं या लोगों को चोट लगती है या लोग होते हैं जख्मी हो जाते हैं. स्पीड लिमिट्स आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट रोड्स, मुख्तलिफ सड़कों के लिए स्पीड की रफ्तार का तय कर दिया गया है. ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव देयर व्हीकल्स विद इन गिवन स्पीड लिमिट्स, और ड्राइवरों से ये इल्तमास है, ये ड्राइवरों को चाहिए कि वो इसी स्पीड
रफ्तार की हदूद में रहकर अपनी गाड़ियों को चलाएं एंड शुड रिड्यूस स्पीड नियर स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल्स एंड अर्बन एरियाज एंड ड्यूरिंग इनक्लेमेंट वेदर कंडीशंस। और जब भी वो किसी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल या किसी शहरी इलाके के पास से गुजरें या मौसम के हालात बेहतर ना हो तो रफ्तार को कम कर दें। वायलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब स्पीड लिमिट नॉट only endanger life of road users but can also invoke penalties and legal actions under traffic laws। अगर आप ट्रैफिक की कवानीन की पासदारी नहीं करेंगे तो इससे ना सिर्फ आप सड़क पर चलने वालों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि इससे आपको जुर्माना भी हो सकता है और आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यूज ऑफ मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल। यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग इज अ पोटेंशियली डेंजरस एक्ट। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल एक बहुत ही खतरनाक अमल है विच कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट, जिससे सीरियस हादसा सामने आ सकते हैं। इट एवर ड्राइवर्स अटेंशन, इससे ड्राइवर की तवज्जो हट जाती है। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन, इसलिए हमें ट्रैफिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वाइल ड्राइविंग, जब हम गाड़ी चला रहे हों। एंड डिस्करेज अदर्स फ्रॉम डूइंग इट, और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करना चाहिए एज इट इज प्रोहिबिटेड अंडर ट्रैफिक लॉज, क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून के मुताबिक गलत है। नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट ना पहनना। वेयरिंग सीट बेल्ट बाय ड्राइवर एंड पैसेंजर इन अ व्हीकल कैन सेव लाइव्स। अगर गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर और मुसाफिर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें तो जिंदगियां बचाई जा सकती हैं ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, एक हादसे के दौरान। सीट बेल्ट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फैटल इंजरीज बाय 50-60%। सीट बेल्ट के इस्तेमाल से हम जख्मी होने के चांसेस 50-60% तक कम कर सकते हैं। नॉन वेयरिंग ऑफ सीट बेल्ट इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर ट्रैफिक लॉज। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने तो ये भी ट्रैफिक के कानून के मुताबिक सजा का बाइस बन सकता है। वी मस्ट देयरफॉर ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी, इसलिए हमें अपना सफर का आगाज करने से पहले हमेशा सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए। नॉट वेयरिंग सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट का ना पहनना। मोटरसाइकिलिस्ट आर हाईली वेल वल्नरेबल टू फेटल एक्सीडेंट। सबसे ज्यादा हादसा का शिकार मोटरसाइकिल सवार होते हैं। मैनी स्टूडेंट्स यूज मोटरसाइकिल्स फॉर गोइंग टू देयर इंस्टीट्यूशन। बहुत से तालिबे इल्म अपनी मोटरसाइकिलों या साइकिलों का इस्तेमाल करते हैं अपने अदारों तक पहुंचने के लिए, बट ऑफन दे डू नॉट पुट अ सेफ्टी हेलमेट। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। वेयरिंग हेलमेट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्वेयर हेड एंड फेस इंजरीज इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी हादसे की सूरत में आपके सर और चेहरे पर आने वाले जख्मों से आपकी हिफाजत हो सकती है एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल बाय 80%, और आपके बचने के चांसेस के इम्कान 80% तक बढ़ जाते हैं। वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल्स को ना मानना। ट्रैफिक सिग्नल्स आर इम्पोर्टेंट टूल्स टू मैनेज द ट्रैफिक। ट्रैफिक सिग्नल वो बहुत अहम औजार हैं जिसकी मदद से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। इट इज मैंडेटरी टू स्टॉप ऑन अ रेड सिग्नल। सुर्ख बत्ती या सुर्ख लाइट पर रुकना जरूरी है। पासिंग अ रेड सिग्नल इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज। सुर्ख लाइट पर गुजर जाना या उसको पार कर जाना ट्रैफिक के कानून का बहुत बड़ा ट्रैफिक के कानून की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है एंड वी शुड नेवर कमिटेड, और हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड ओबे द पुलिस ऑफिसर्स मैनुअली मैनेजिंग द ट्रैफिक। और हमें उन पुलिस ऑफिसर्स की भी इज्जत करनी चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए जो ट्रैफिक को खड़े रहकर मैनेज कर रहे होते हैं या रेगुलेट कर रहे होते हैं। वायलेटिंग लैंड डिसिप्लिन। लैंड के नज्म व ज़ब्त को तोड़ना। अ रोड इज डिवाइडेड इन लैंड्स थ्रू रोड मार्किंग वाइट लाइन्स। एक रोड को एक सड़क को लैंड्स में तकसीम किया जाता है सफ़ेद रंग की लाइनें लगाकर। लैंड्स आर मीन टू मेंटेन ट्रैफिक डिसिप्लिन। लैंड्स का मतलब होता है ट्रैफिक के नज्म व ज़ब्त को कायम रखना। वी शुड कीप इन अ पर्टिकुलर लैंड। हमें एक खास लैंड में रहना चाहिए एंड इंडिकेट प्रॉपरली बिफोर वी चेंज दैट लैंड। और अपने लैंड को बदलने से पहले खास तौर पर इशारे देने चाहिए। लैंड स्ट्रेडलिंग मे कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स। अपने लैंड को अचानक से बदल लेने से एक सीरियस हादसा वाकया हो सकता है एंड इनवॉक फाइन अंडर ट्रैफिक लॉज, और ये ट्रैफिक के कवानीन के खिलाफ है। एक्सट्रीम लेफ्ट लैन इज फॉर हैवी एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स। सबसे बाई तरफ वाली लैंड भारी ट्रैफिक या फिर आहिस्ता चलने वाली गाड़ियों के लिए होती है एंड एक्सट्रीम राइट लैन इज फॉर ओवरटेकिंग।
और सबसे दाईं जानिब मौजूद लेन आगे निकलने के लिए होती है या तेज रफ्तार गाड़ियों के लिए होती है। वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ना, ट्रैफिक साइंस को तोड़ना या ट्रैफिक साइंस को ना मानना। ट्रैफिक साइंस ऑन साइट कैरी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर रोड यूजर्स। ट्रैफिक साइंस ट्रैफिक के साइंस सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत अहम इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं। वायलेटिंग दीज साइंस कैन पोटेंशियली डेंजरस फॉर आवरसेल्व्स एज वेल एज अदर। और अगर आप इन साइंस को नहीं मानेंगे तो ये आपके लिए भी खतरा हो सकता है और दूसरों के लिए भी। As responsible road user, we should not only take steps to save our own and other lives. एक जिम्मेदार सड़क के इस्तेमाल करने वाले की हैसियत से हमें ना सिर्फ इन इकदामात को उठाना चाहिए या इन पर अमल करना चाहिए ताकि हम अपनी और दूसरों की जिंदगी बचा सके, but should also observe road courtesies to help create better environment on roads. बल्कि हमें खुश इखलाकी का मुजाहरा भी करना चाहिए ताकि हम सड़क के माहौल को बेहतर बना सकें। ट्रैफिक डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट द सिविलिटी ऑफ अ सोसाइटी। ट्रैफिक के कानून किसी भी माशरे की तहजीब को जाहिर करते हैं। सो वी शुड प्रूव आवरसेल्फ्स एज अ लॉ अबाइडिंग ओबीडिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल नेशन। तो हमें खुद को साबित करना है एक कानून की पासदारी करने वाली और जिम्मेदार कौम की हैसियत से। Question, what should we do as a responsible road user? As a responsible road user, we should not take steps to save, we should obey traffic rules and show courtesy to help create better road environment. Okay, this is the translation of this chapter, Road Safety. In the next video, I will teach you the exercise of this chapter. So, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।